ये जो टॉपिक है हमारा सिस्टम इंजीनियरिंग है। तो सिस्टम इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं सिस्टम हम किसको बोलते हैं और क्या क्या सिस्टम है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है। तो व्हाट इज सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या है? द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए सिस्टम इज दैट इट रिलेट्स टू और मोर थिंग्स, जस्ट लाइक इट रिलेट्स इनपुट टू आउटपुट। इन अदर वर्ड्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इट इज डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स वन और मोर इनपुट्स एंड जेनरेट्स वन और मोर आउटपुट्स। ओके, और ये डेफिनेशन है, ए कॉम्प्रेहेंसिव डेफिनेशन ऑफ सिस्टम इज एन एनी स्ट्रक्चर, डिवाइस, स्कीम और प्रोसीजर, रियल और एब्स्ट्रैक्ट, दैट इंटर रिलेट्स इन ए गिवन टाइम इंटरफेस एज इनपुट, कॉज और स्टिमुलस ऑफ मैटर, एनर्जी और इंफॉर्मेशन, एंड एन आउटपुट, इफेक्ट और रेस्पॉन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर। आप लोग इसको ही रिलेट कीजिए। इट इज अ डिवाइस दैट कंसिस्ट वन और मोर इनपुट्स एंड जेनरेट्स वन और मोर आउटपुट्स, जस्ट लाइक वन क्रशर सिस्टम। क्रशर इज ए सिस्टम। वी आर फीडिंग आवर मटेरियल टू द क्रशर, देन वी आर गेटिंग आवर आउटपुट, दैट इज वन सिस्टम। इनपुट, इन इनपुट वी आर फीडिंग द मटेरियल एंड आउटपुट वी आर गेटिंग आवर डिजायर्ड साइज ऑफ द मटेरियल, दैट्स अ सिस्टम। देन कम्स टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सिंपल सिस्टम, ए सिंपल सिस्टम इज वन इन व्हिच देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ओके, डायरेक्ट रिलेशन, दिस इज ए सिंपल सिस्टम। ओके, एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम? कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सब सिस्टम्स, ईच ऑफ व्हिच इज ए सिंपल सिस्टम। कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सब सिस्टम्स, इट्स क्लियर फ्रॉम द टर्म ओनली। सिंपल, सिंपल मीन्स डायरेक्ट रिलेशन। कॉम्प्लेक्स, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल रिलेशंस या फिर टू और मोर सब सिस्टम्स। ईच सब सिस्टम हैज ए डिस्टिंक्ट रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ओके, अनदर इज लिनियर एंड नॉन लिनियर सिस्टम। टुडे वी विल कवर दिस लिनियर सिस्टम। लिनियर सिस्टम, ए लिनियर सिस्टम इज वन इन व्हिच द आउटपुट इज ए कॉन्स्टेंट रेशियो ऑफ द इनपुट। जस्ट लाइक आउटपुट इज ए कॉन्स्टेंट रेशियो, लेट के इज ए कॉन्स्टेंट, के इनटू इनपुट, आउटपुट इज ए कॉन्स्टेंट रेशियो ऑफ इनपुट। ए लिनियर सिस्टम इज ए सिस्टम व्हिच फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दैट मीन्स ए लिनियर सिस्टम, द आउटपुट ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटपुट्स फ्रॉम ईच ऑफ द इनपुट्स इंडिविजुअली। लेट लेट टू सिस्टम्स आर देयर, टू सिस्टम्स आर देयर। ओके, आउटपुट वन इक्वल्स टू योर आउटपुट वन इक्वल्स टू लेट के वन इंटू इनपुट वन एंड आउटपुट टू इक्वल्स टू लेट के टू इंटू इनपुट टू। सो इट मीन्स योर सम ऑफ द आउटपुट ऑलवेज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इनपुट। दैट मीन्स योर आउटपुट वन प्लस आउटपुट टू दैट विल बी के वन इनपुट वन प्लस ए टू इनपुट टू, इट्स योर लिनियर सिस्टम। ओके, एंड अनदर इज टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट मीन्स टाइम डिपेंडेंट सिस्टम। इफ डिपेंड्स ऑन द टाइम, इन ए टाइम इनवेरिएंट सिस्टम द इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट। टाइम इनवेरिएंट मीन्स इट्स डजंट डिपेंड्स ऑन द टाइम। टाइम वेरिएंट, इट्स डिपेंड्स ऑन द टाइम।
If the time will change, then there the output significantly change as of the time. And if in time invariant system, whatever the time may be, whatever the system will take, just like in crossing system, if you are feeding one boulder, it's a time variant system. If you are crossing, if you are feeding on boulder, then whatever the time it will take to cross the boulder, it will affect on the output. But in time invariant system, the system depends on the, doesn't depends on the time. So output always will be same at whatever may be the time. Okay. Another is continuous or discrete changes system. In continuous system, the changes in the system take place continuously, whereas in a discrete system, the state of the system changes at a discrete interval of time. Okay. Another is lumped parameter and distributed parameter. Lumped parameter, it doesn't depend. A lumped parameter is one of whose variation in space is either non-existent or ignored. Whereas a parameter is said to be the distributed one if its variation in one or more spatial dimension is taken into account. Lumped parameter mein kya hai ki jo parameter hai usko hum consider nahi karenge system mein, system usko consider nahi karta hai, matlab system usko ignore kar deta hai, lekin distributed parameter kya system usko consider karta hai. So if that parameter will change, then our output will significantly change. In case of lumped parameter, the system ignores the lumped parameter. That means if that parameter will change, but our output will remains constant, even lumped parameter will change. But in case of distributed parameter, our output will change if our distributed parameter will change. Another one is deterministic and probabilistic system. In deterministic system, if the input remains the same, the output remains the same. That is, you can predict the output. If your input is a constant, then you can predict, you can determine the output that will be your same. The same input will always produce the same output. But in probabilistic state, you can say that the output will remain same. It probably may be same or it will can be changed. The input itself may be deterministic or something. In a probabilistic system, the input-out relationship is a probabilistic rather than deterministic. The output may be changed or may not be changed. These are types of system. ठीक है, फिर से इसको स्टार्टिंग से समझाते हैं। सिस्टम हम किसको बोलते हैं? पहले सिस्टम इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं हम सिस्टम किसको बोलते हैं। सिस्टम क्या है? एक सिस्टम हम इसको बोलते हैं कि इट रिलेट्स टू और मोर थिंग। ये डेफिनेशन को याद रखिए। इट इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स वन और मोर इनपुट्स एंड जेनरेट्स वन और मोर आउटपुट। सिस्टम एक ऐसा डिवाइस है वो क्या करता है कि वन और मोर, एक और ज्यादा क्या इनपुट को रिसीव करता है और हमको आउटपुट एक देता है या फिर एक से ज्यादा देता है आउटपुट। वो एक सिस्टम है। जैसे आप लोगों को, आप लोग कंसिडर कर लीजिए एक क्रॉसर है। ओके, क्रॉसर में इनपुट में हम लोग कितना, हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल डायरेक्ट क्रॉसर में डाल देते हैं। उसमें साइज वेरिएंट बहुत है, कहीं बड़ा बोल्डर साइज है, छोटा बोल्डर है या फिर चूरा मटेरियल है। वो हम लोग डिफरेंट साइज का मटेरियल क्रॉसर में इनपुट दे दिए। लेकिन अभी क्या करेंगे, क्रॉसर के आउटपुट में हम लोग आपको, आपको क्या है डिजायर्ड साइज चाहिए, आपको जो साइज रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। तो उधर आप लोगों ने स्क्रीन लगा के रखे हैं, तो आपको उसी हिसाब में, आप लोगों को मान लीजिए आपको तीन साइज चाहिए, तो तीन स्क्रीन लगाए हैं, तो तीन साइज आपको आउटपुट में चाहिए। वो होता है सिस्टम। सिस्टम क्या क्या, इनपुट में साइज बहुत सारे साइज का मटेरियल लिया इनपुट में, उसके बाद क्रॉसिंग किया आउटपुट में, आपको कितना साइज दिया,
आपको तीन साइज चाहिए था तो तीन ही साइज दिया, तो ये है सिस्टम। सिस्टम क्या है कि इट्स डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स वन और मोर इनपुट, एक और एकाधिक इनपुट को वो लेता है सिस्टम में, और आउटपुट में भी आपको एक और उससे ज्यादा आउटपुट देता है, प्रोवाइड करता है। ये होता है डिप सिस्टम, ये हुआ डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है? पहला हम लोग देखते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सिंपल सिस्टम क्या है? सिंपल सिस्टम यह है कि एक डायरेक्ट रिलेशन है। सिंपल सिस्टम इज वन इन व्हिच देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। जैसे कि ये आउटपुट जो है आपका, मान लीजिए एक इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक इनपुट में डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे इनपुट चेंज होगा आपका आउटपुट चेंज होगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? इट्स ए डिफिकल्ट सिस्टम, इट्स ए सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ सिंपल सिस्टम। मीन्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या है कि आप लोगों का दो चार सिंपल सिस्टम ऐड हो गया एक ही साथ, तब हो जाता है ये कॉम्प्लेक्स हो गया। मतलब आपके सिस्टम में बहुत सारे सब सिस्टम है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या बोलता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल सब सिस्टम। मतलब सिंपल सिस्टम में एक सिस्टम आपका पास हो गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया? दो चार सब सिस्टम मिलके एक सिस्टम बनाए, तब जाके ये बन गया कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और वो जो सब सिस्टम है ना, हर एक सब सिस्टम एक एक सिंपल सिस्टम है। ईच ऑफ हुई चीजें सिंपल सिस्टम, तो आपका जो सब सिस्टम है वो सब सिस्टम एक एक सिंपल सिस्टम ही है। ओके, नेक्स्ट कम्स टू लिनियर एंड नॉन लिनियर सिस्टम। लिनियर और नॉन लिनियर सिस्टम में, ये लिनियर प्रोग्रामिंग हम आज लोग देखेंगे, आज देखेंगे। लिनियर में क्या है कि आपका लिनियर सिस्टम इज वन ऑफ इन व्हिच आउटपुट इज ए कॉन्स्टेंट रेशियो ऑफ द इनपुट। आपका जो आउटपुट है वो एक कांस्टेंट रेशियो में आता है। जैसे यहाँ पे दिखा है कि आपका आउटपुट एक के मान लीजिए कि कांस्टेंट है, के मान लीजिए कांस्टेंट है, और ये जो आउटपुट आपका है के मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनपुट, आपका जो इनपुट है उसके साथ के मल्टीप्लाई होके आता है। मान लीजिए आपका के है 10 और इनपुट में आप प्रोवाइड किए 5, तो आउटपुट कितना आएगा? 50। ओके, मान लीजिए आप इनपुट चेंज किए, कितना चेंज किए? 5 से मान लीजिए 8 किए, लेकिन आपका आउटपुट क्या आएगा? 80 आएगा। पहले क्या है कि के मान लीजिए आपका 10 है, ओके, तो इनपुट आपका 5 है, तो आउटपुट कितना आएगा? 50 आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इनपुट आप लोगों ने 8 दिए, तो आपका आउटपुट चेंज होके कितना आएगा? 80 आएगा। तो इसमें क्या है कि ये एक कांस्टेंट रेशियो में आता है। जो कांस्टेंट रेशियो में, वो मान लीजिए आप कांस्टेंट एक दे दिए के 10, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक दे दिए 10, तो उस रेशियो में आएगा हर बार। तो ये लिनियर सिस्टम है कि आउटपुट इज ए कांस्टेंट रेशियो ऑफ द इनपुट। ओके, एंड नॉन लिनियर सिस्टम में क्या है कि ये कांस्टेंट रेशियो में नहीं आएगा, ये कभी भी वेरी कर सकता है। मान लीजिए इधर लिनियर में क्या है कि आप इनपुट 5 दिए तो 50 आया, और इनपुट 8 दिए तो 80 आ रहा है, क्योंकि लिनियर मीन्स इट्स लाइक ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा है, तो एक स्लोप है इसका, ये लिनियर है। लेकिन नॉन लिनियर है, नॉन लिनियर होगा तो क्या है, एक क्वाड्रेटिक हो सकता है या फिर एक कर्व टाइप का हो सकता है। तो आपका जो नेक्स्ट इनपुट 8 देंगे ये 80 नहीं होगा, मे बी 80 से कम हो सकता है या फिर 80 से ज्यादा हो सकता है, वो वेरी करेगा। ओके, अभी क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट आते हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या है? टाइम के टर्म देखिए, तो इसमें क्या है कि जो सिस्टम है टाइम पे यदि डिपेंडेंट होगा तब होगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। मतलब टाइम के ऊपर निर्भर करता है। जैसे टाइम में कुछ डिले हो गया तो क्या होगा, अपना आउटपुट में इफेक्ट आ जाएगा, तब ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और है कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम,
टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब टाइम के ऊपर निर्भर ही नहीं करता है। तो क्या है, जब टाइम चेंज होता जाएगा लेकिन आपका इनपुट कांस्टेंट है तो आपका आउटपुट सेम रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं क्रॉसर का, जैसे एग्जांपल मैंने एक दिया, तो उसमें क्या है कि बोल्डर क्रॉसिंग कंसिडर कर लीजिए, आपका जो सिस्टम है उसमें बोल्डर क्रॉसिंग कंसिडर कर लीजिए। अभी क्या है कि ये बोल्डर क्रॉसिंग करने के लिए आपका टाइम कितना लगेगा, मान लीजिए टाइम 5 मिनट लगा, तो क्या है कि आपका जो आउटपुट मिलेगा, और एक केस कंसिडर कर लीजिए, बोल्डर क्रॉसिंग में आपको टाइम 30 मिनट लगा, तो आपका क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो पहला केस से आउटपुट कम होगा ना, क्योंकि आपका जो क्रॉसिंग सिस्टम है वो तो बोल्डर क्रॉसिंग में टाइम ज्यादा ले लिया है। तो ये जो है टाइम वेरिएंट हो गया, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है कि टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट चेंजेस सिस्टम। कंटिन्यूअस सिस्टम क्या है कि तो चेंजेस इन द सिस्टम टेक प्लेस कंटिन्यूअसली, आपका जो सिस्टम है जो चेंजेस रहेगा वो कंटिन्यूअसली रहेगा। डिस्क्रीट चेंजेस, आप लोग जैसे जो सिग्नल एसी सिग्नल में पढ़े होंगे, कंटिन्यूअस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है, एक टाइम पे डिस्क्रीट सिग्नल आता है, कुछ एम्पलीट्यूड होता है, फिर दूसरे टाइम पे उसका जीरो एम्पलीट्यूड होता है, फिर अगले टाइम पे कुछ कॉन्स्टेंट आता है, फिर जीरो आता है, और कंटिन्यूअस जो है वो कंटिन्यूअस ही आता है। तो यह सिस्टम में ऐसा है कि जो चेंजेस है वो कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहेगा, लेकिन डिस्क्रीट केस में क्या है कि एक टाइम इंटरवल में चेंजेस होगा, फिर कुछ टाइम इंटरवल में चेंजेस नहीं होगा। तो ये है कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट चेंजेस सिस्टम। और अभी आते हैं लम्प पैरामीटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। ये जो आप लोग उतरे, लम्प पैरामीटर क्या है, लम्प पैरामीटर एक ऐसा पैरामीटर है जो कि सिस्टम उस पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास इनपुट फिक्स्ड 5 इनपुट आप दे दिए, और आउटपुट आप 5 आउटपुट ले रहे हैं, जो भी इनपुट, जैसे मान लीजिए इनपुट आप 50 दिए, आउटपुट आप लोग ने 100 ले रहे हैं। अभी एक उस बीच में एक लम्प्ड पैरामीटर है, उस पैरामीटर को आप मान लीजिए चेंज कर दिए, तो क्या होगा, आपका जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो पैरामीटर पे वो डिपेंड ही नहीं करता है। आपका जो सिस्टम है वो लम्प्ड पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, सिस्टम इग्नोर कर देता है, तो उस पैरामीटर पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो आपका जो आउटपुट है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा, इवन इफ आपका जो लम्प्ड पैरामीटर चेंज हो जाएगा भी तो आपका आउटपुट कॉन्स्टेंट होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सिस्टम में क्या है कि जो सिस्टम है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जो सिस्टम में वो पैरामीटर चेंज हो जाएगा तो आपका आउटपुट भी सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए इसको लम्प्ड पैरामीटर है, तो इसको हम सीधा इग्नोर कर देते हैं लम्प्ड पैरामीटर। तो लम्प्ड पैरामीटर को आप चेंज करते जाइए लेकिन आउटपुट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है, इसको सिस्टम कंसिडर करता है, इस पैरामीटर को आप चेंज करोगे तो आपका जो आउटपुट है वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, और एक आ गया डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटिक सिस्टम। डिटर्मिनिस्टिक क्या है, उस टर्म क्या बोलता है, डिटर्मिनिस्टिक मतलब डिटरमाइन से आया है डिटर्मिनिस्टिक। तो इसमें क्या है कि आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो आउटपुट क्या आएगा। आप लोगों का इनपुट सेम है, पहले मान लीजिए एक केस में आप लोग 4 इनपुट दिए हैं और उसमें जो आउटपुट आपको मिला है आपको पता है। अभी जो नेक्स्ट टाइम मान लीजिए आप सेम 4 इनपुट सिस्टम में दे रहे हैं, तो डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम में आपको पता है कि नहीं, इस बार भी हमारा आउटपुट सेम आएगा, पिछली बार जैसे हम सेम 4 इनपुट दिए थे आउटपुट जो आया था इस बार भी सेम आएगा, वो हो गया डिटर्मिनिस्टिक, आप डिटरमाइन कर सकते हैं उसे। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम में क्या है कि आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, चाहे आप सेम इनपुट दिए लेकिन आउटपुट सेम आ सकता है और सेम नहीं भी आ सकता है। तो ये होता है प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी है, सेम आने का कुछ प्रोबेबिलिटी है और सेम नहीं आने का भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये हो गया आपका वेरिएंट ऑफ सिस्टम। अब क्लियर हुआ?
ओके तो सिस्टम में क्या है कि ये ऑप्टिमाइजेशन टर्म तो आप हर बार सुने होंगे। जैसे हम माइनिंग में क्या करते हैं, अपना अपना जो फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम है, अपने पास जो डंपर है, जो लोडर है, जो भी एक्सकैवेशन मशीन है, हम लोग हर बार ट्राई करते हैं कि उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। किस लिए? क्योंकि अपना प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपना जो आउटपुट वो बढ़ाने के लिए। तो ये है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स आर एम्बेडेड इन जनरल थियोरी ऑफ मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। ये क्या है कि जो ऑप्टिमाइजेशन मॉडल जो है वो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग के साथ लिंक्ड है। जैसे ये हो गया अपना लीनियर प्रोग्रामिंग, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग और डायनामिक प्रोग्रामिंग। इसी को बेस करके, इसी के ऊपर डिपेंड होके अपना जो ऑप्टिमाइजेशन मॉडल है वो बनाते हैं। आप लोग कभी सुनेंगे TDS, ट्रॉक डिस्पैच सिस्टम। ट्रॉक डिस्पैच सिस्टम एक एक ऑप्टिमाइजेशन मॉडल है फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम का। तो उसमें क्या होता है, जो बेस है लीनियर प्रोग्रामिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग को कंसिडर करके वो एक सिस्टम है TDS, ट्रॉक डिस्पैच सिस्टम। इसमें क्या है कि वो अपने आप डिसाइड करता है कि किस फेस में कितना डंपर देना है। तो वो जो प्रोग्रामिंग, ये लीनियर प्रोग्रामिंग को बेस करके बनाता है और अपना जो फ्लीट को ऑप्टिमाइज करता है। तो ये तीन देखेंगे हम, ये देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कॉन्स्टेंट्स आर ऑल लीनियर। ये लीनियर प्रोग्रामिंग एक लाइन पे आएगा। आप लोग जैसे मान लीजिए एक इनपुट दिए और जो आउटपुट आएगा, इनपुट से आउटपुट, वो एक रिलेशन जो है वो एक लीनियर है, स्ट्रेट लाइन रिलेशन है। लेकिन नॉन लीनियर में क्या है कि वो एक कर्व हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व नॉन लीनियर टर्म। नॉन लीनियर टर्म में एक क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग हो सकता है और वेरिएबल फॉर लिमिटेड एप्लीकेशंस। और डायनामिक प्रोग्राम में ऑफर्स ए सॉल्यूशन प्रोसीजर फॉर लीनियर और नॉन लीनियर प्रोग्राम। ये हो गया डायनेमिक प्रोग्राम। हम लोग इसको ही देखेंगे आज, लीनियर प्रोग्रामिंग, और लीनियर प्रोग्रामिंग में एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। ओके, थ्योरी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों को जनरल आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ। लेकिन कभी जैसे टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या क्या है तो थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए। बाकी तो हम लोग प्रॉब्लम ही फोकस करेंगे, गेट मतलब तो हम तो प्रॉब्लम ही फोकस करेंगे। ये हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्राम में क्या क्या हम लोग देखते हैं? एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और एक सेट ऑफ डिसीजन वेरिएबल, और एक सेट ऑफ कॉन्स्टेंट है। ये तीनों को कंसिडर करके हम लोग प्रॉब्लम अपना सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख लेते हैं, जैसे कि किसी को मैक्सिमाइज करना है या फिर किसको मिनिमाइज करना है, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर डिसीजन वेरिएबल, किस पे जो इनपुट का जो वेरिएबल है किस पे हमारा सिस्टम डिपेंड करता है, वो हो गया हमारा डिसीजन वेरिएबल। सेट ऑफ कॉन्स्टेंट, क्या क्या कॉन्स्टेंट है हमारे पास, उसको लेके हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे ये होता है हमारा, मान लीजिए X1, X2, X3, XN, ये सब डिसीजन वेरिएबल हो गया। जेड अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अभी जेड को मैक्सिमाइज करना है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अपने पास बहुत सारे कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ ग्राफ में डाल के करेंगे। तो चलते हैं कि एग्जांपल पे चलते हैं। हाँ, इसका जो एप्लीकेशन है लीनियर प्रोग्रामिंग का, जो एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है? एक तो ग्रेड मिक्स प्रॉब्लम ऐसे आता है कि हम लोग का 3-4 ग्रेड का मटेरियल हम सिस्टम में इनपुट किए, मतलब क्रॉसर में इनपुट किए हम लोग। जैसे मैं पहले बता रहा था कि बहुत साइज का मटेरियल हम लोग क्रशर में डाल रहे हैं, डिफरेंट साइज का, लेकिन हमें चाहिए 3 या 4 साइज का आउटपुट चाहिए, तो उसमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं। तो ये ग्रेड मिक्स प्रॉब्लम है। तो 3-4 ग्रेड का मटेरियल आप लोगों ने सिस्टम में इनपुट कर दिए, लेकिन आपको क्या है कि एक ग्रेड चाहिए, एक स्पेसिफिक ग्रेड चाहिए।
तो वो स्पेसिफिक ग्रेड जो निकालेंगे वो उस ये ग्रेड मिक्स प्रॉब्लम जो है वो लिनियर प्रोग्रामिंग से आएगा। और एक प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, एक थर्मल पावर प्लांट को एक कोल माइंस कोल सप्लाई कर रहा है, तो या फिर तीन और चार कोल माइन से अपना जो थर्मल पावर प्लांट है वो कोल ले रहा है। अभी किस पावर प्लांट किस कोल जो माइंस है वो कुछ कम डिस्टेंस में होगा, कुछ ज्यादा डिस्टेंस में होगा, कुछ अच्छा ग्रेड का होगा और कुछ खराब ग्रेड का होगा। तो वो जो तीन चार माइंस है उसमें कितना कितना क्वांटिटी लेगा जाके अपना जो पावर प्लांट है वो उसका आउटपुट जो है प्रोडक्टिविटी जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकता है। तो ये प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम भी लीनियर प्रोग्रामिंग से आएगा। और एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जैसे मान लीजिए माइंस है, माइंस में तीन चार फेस है और अपना क्रॉसर तो एक ही जगह पे है। अभी तीन चार फेस जो है कोई फेस बहुत ज्यादा दूर में है और कोई फेस कम डिस्टेंस में है, तो और कोई फेस में ज्यादा बुल्डर आ रहा है, कोई फेस में बोल्डर नहीं है, कोई फेस में अच्छा ग्रेड का मटेरियल आ रहा है, किसी फेस में अच्छा ग्रेड का मटेरियल नहीं आ रहा है। तो ये जो तीन चार फेस से कितने कितने क्वांटिटी लेने से अपना जो क्रॉसर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देगा, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देगा, जैसे कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगा, ग्रेड अच्छा आएगा और अपना जो ज्यादा बोल्डर नहीं आएगा कि जो क्रॉसिंग टाइम है वो डिक्रीज करेगा। तो ये सब में लिनियर प्रोग्रामिंग यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन से रिपीट। ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा? आप लोगों को एक सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब क्या है कि जो सिस्टम का लूप होल है उसको डिक्रीज करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका लूप होल ऐसे माइंस में कंसिडर कर लीजिए, लूप होल हम किसको बोल रहे हैं, जैसे कि आपका डंपर आइडल रहा तो डंपर का आइडल टाइम है वो एक लूप होल है, सिस्टम का लूप होल है वो है, तो उसके वजह से आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज करता है। तो हम लोग मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि डंपर और लोडिंग मशीन सोवेल या फिर लोडर तो उसका जो आइडल टाइम है उसको कम करने के लिए, तो जो उसका आइडल टाइम कम कर देंगे तो हमारा क्या होगा जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए ये है एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। इसको आप लोग जो फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम है, फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब माइंस में कितना सोवेल चल रहा है, कितना लोडिंग मशीन चल रहा है और कितना डंपर चल रहा है, और मान लीजिए चार फेस चल रहा है, चार फेस में चार लोडिंग लोडिंग मशीन हो गया तो मान लीजिए 20 डंपर चल रहा है, और 20 डंपर को आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए चारों फेस में, तो उसके वजह से आपका जो प्रोडक्टिविटी वो मैक्सिमाइज करेंगे। तो उस जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी है उसको एक टीडीएस, टीडीएस सुने होंगे, ट्रक डिस्पैच सिस्टम, वो एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी है। वो क्या करता है कि वो लिनियर प्रोग्रामिंग यूज करके देखता है कि उसमें कितने डंपर किस फेस में डालने से, उसमें कांस्टेंट कंसिडर कर लेता है, कांस्टेंट क्या क्या कंसिडर करता है, कौन सा फेस क्रॉसर से कितना दूर में है, ओके, और डंपर का भी देख लेता है कौन सा डंपर कितने स्पीड में जा रहा है, उसका जो एवरेज स्पीड है वो कितना है, और वो जो फेस में कैसे ग्रेड आ रहा है, बोल्डर कैसे आ रहा है, ये सब कांस्टेंट है, वो सिस्टम में कांस्टेंट फीड हो गया। अभी आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी आपको मैक्सिमाइज करना है। देन अभी जो डंपर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो टीडीएस क्या करता है, ट्रक डिस्पैच सिस्टम जो है उसी हिसाब में वो लिनियर प्रोग्रामिंग यूज करके वो डिसाइड करता है कि आपका जो चारों फेस में आप तो 20 डंपर है, आप तो ऐसे अलर्ट करेंगे तो क्या पांच पांच डंपर सब फेस में अलर्ट कर देंगे, लेकिन वो क्या करेगा सब सभी कंस्टेंट को कंसिडर करके वो बताएगा कि किस फेस में कितना डंपर देना है। वो होता है ऑप्टिमाइजेशन, एक प्रोडक्शन को आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो उसके जो प्रोग्रामिंग है ये एक मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है। एक हो गया लिनियर प्रोग्रामिंग, एक नॉन लिनियर प्रोग्रामिंग और एक डायनामिक प्रोग्रामिंग। लिनियर प्रोग्रामिंग ये क्या है कि आपका जो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है वो एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, ये हो गया लिनियर प्रोग्रामिंग।
और नॉन लिनियर प्रोग्रामिंग क्या है, एक क्वाड्रेटिक लाइन आ सकता है, एक पैराबोला टाइप का आ सकता है। तो ये नॉन लिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन आएगा वो एक नॉन लिनियर रिलेशन है। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है, तो दोनों को कंसिडर करता है हमारा। ओके, ये हो गया ऑप्टिमाइजेशन। देन आ गया हमारा लिनियर प्रोग्रामिंग। लिनियर प्रोग्रामिंग में जैसे बताया, हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं लिनियर प्रोग्रामिंग में, ग्राफिकल मेथड में करते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे पास एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है, और डिसीजन वेरिएबल है, किस किस वेरिएबल पे हम लोग हमारा सिस्टम डिपेंड करता है वो हो गया, और एक कॉन्स्टेंट है, क्या क्या कॉन्स्टेंट को हम लोगों को कंसिडर करना है सिस्टम में। ये तीनों चीज को लेके, ये तीनों को कंसिडर करके हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, क्लियर हुआ? अब एक एग्जाम्पल में चलते हैं, उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कैसा है ये तीन भी। चलो एग्जाम्पल पहले सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आते हैं। अभी क्या है कि एक माइनिंग कंपनी है, वो क्या करता है, टू टाइप्स ऑफ ओर प्रोड्यूस करता है, एक ए ओर, ए टाइप ओर, और एक बी टाइप ओर। ओके, ए टाइप ओर, बी टाइप। आपका जो अभी सिस्टम का इनपुट हो गया, ये दो टाइप का ओर हो गया, ए टाइप का ओर और बी टाइप का ओर। अभी क्या बोल रहा है कि रिसोर्स आर लिमिटेड, यहां से कॉन्स्टेंट स्टार्ट हो गया, यहां से आपका कॉन्स्टेंट स्टार्ट हो गया। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, थाउजेंड्स यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल है, और एक 40 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन टाइम पर वीक है। अभी क्या बोल रहा है, मार्केटिंग रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल प्रोडक्शन कैन नॉट एक्सीड 700 टन, और नंबर ऑफ द टाइप ए कैन नॉट एक्सीड नंबर ऑफ द टाइप बी बाय मोर देन 350। ये सब कांस्टेंट है, उसको एक साथ लाएंगे। टेक्नोलॉजिकल इनपुट क्या है, ए रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल एंड 3 मिनट्स ऑफ लेबर पर टन, बी रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल एंड 4 मिनट्स ऑफ लेबर पर टन। करंट प्रोडक्शन प्लान क्या है, आपका जो ए से आ रहा है ₹8 पर टन का प्रॉफिट, बी से आ रहा है ₹5 पर टन का प्रॉफिट। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। अभी क्या है, आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, ये अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमम करना है। ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन जो हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ओके, मान लीजिए आपके पास दो ओर था, कौन कौन सा, ए और बी ओर था। तो अभी मान लीजिए आप लोगों ने X1 क्वांटिटी ले रहे हैं ए ओर से, और X2 क्वांटिटी लोअर ले रहे हैं बी ओर से। ओके, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड, जेड मान लीजिए ये टोटल प्रॉफिट है आपका, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जेड जो है ₹8 आ रहा है, किसमें, ए ग्रेड से, ए ओर से, मतलब ए ए और कितना क्वांटिटी हम ले रहे हैं, X1 क्वांटिटी ले रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 8X1 प्लस बी ओर से ₹5 प्रॉफिट आ रहा है पर टन, तो आप लोग कितने टन ले रहे हैं, X2 टन ले रहे हैं, तो 5X2। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको आप लोगों को मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। अभी चलते हैं
कांस्टेंट पे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर हो रहा है ना? अभी चलते हैं कांस्टेंट पे। कांस्टेंट क्या क्या है? स्टार्टिंग कांस्टेंट देखते हैं कहां से। ये देखिए, थाउजेंड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल हमारे पास टोटल 1000 है, और एक 40 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन टाइम। 40 आवर प्रोडक्शन टाइम। अभी देखिए, हमारा जो है ए में, ए क्या करता है, 2 यूनिट स्पेसिफिक मटेरियल कंजप्ट करता है, कंजप्शन करता है। ए के लिए 2 यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए, और बी यूनिट के लिए क्या है, बी के लिए, बी और के लिए 1 यूनिट स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए। मतलब तो टोटल स्पेसिफिक मटेरियल जो रिक्वायरमेंट है, तो वो कितना आ जाएगा, 2 × X1। 1 टन के लिए, 1 टन ए ग्रेड के लिए 2 यूनिट चाहिए, तो X1 के लिए हो गया 2X1 प्लस कितना, बी के लिए 1 यूनिट चाहिए तो X2। ये जो 2X1 प्लस X2, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक मटेरियल हो गया। तो लेकिन हमारे पास टोटल स्पेसिफिक मटेरियल जो है वो कितना है, 1000 है। लिमिटेड 1000, 1000 से कम है, तो ये एक कांस्टेंट हमें इसे मिल गया, एक कांस्टेंट मिल गया। ये आ गया हमारा एक कांस्टेंट। और दूसरा कांस्टेंट क्या है, टाइम। टाइम देखिए, ए ओर के लिए 3 मिनट्स पर टन, बी ओर के लिए 4 मिनट्स पर टन। तो कितना आ जाएगा, 3 × X1 प्लस 4 × X2। टाइम कितना टोटल है, 40 मिनट, 40 आवर्स, 40 आवर्स ऑफ प्रोडक्शन टाइम पर वीक। फोर्टी आवर्स है, 40 × 60, ये मिनट में है, तो इसको कर दिए तो क्या आ जाएगा, ये हो गया दूसरा कॉन्स्टेंट। अब ये दोनों कॉन्स्टेंट को यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन गया, कॉन्स्टेंट में क्या आ गया, पहला आया टू एक्स वन प्लस X2, ये जो स्पेसिफिक मटेरियल का है, ये क्या है, स्पेसिफिक मटेरियल। और टाइम का है 3X1 प्लस 4X2। ये हो गया टाइम कॉन्स्टेंट। अभी नेक्स्ट कॉन्स्टेंट में चलते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग रिक्वायरमेंट का। मार्केटिंग रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है, टोटल जो प्रोडक्शन है वो 700 से कम रहेगा। टोटल प्रोडक्शन आप ए ओर से X1 टन ले रहे हैं, और बी ओर से क्या, X2 ले रहे हैं, तो जो X1 प्लस X2 कितना रहेगा, 700 से कम रहेगा। ओके, और क्या है कि नंबर ऑफ टन ऑफ टाइप ए, ए ओर का जो टाइप है, कैन नॉट एक्सीड नंबर ऑफ द टाइप बी बाय मोर देन 350। मतलब आपका जो ए ओर से कितना टन ले रहे हैं X1, और बी ओर से कितना ले रहे हैं X2, उसका जो डिफरेंस है वो 350 से ज्यादा नहीं होगा। तो X1 माइनस X2 क्या होगा, 350 से कम ही होगा। ओके, यही बोल रहा है ना, इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, X1 जो है क्या होगा, X2 प्लस 350, 350, ज्यादा ज्यादा 350 ही हो सकता है सेकेंड ओर से, बी ओर से मोर देन 350, बट कैन नॉट एक्सीड 350, ज्यादा से ज्यादा और नहीं बढ़ सकता है। तो ये आ गया, ये और दो कॉन्स्टेंट आ गया, वो ये लिख लेते हैं, क्या हो गया, X1 प्लस X2 लेस देन और इक्वल टू 700। ये अपना हो गया, और एक क्या है, X1 माइनस X2 लेस देन और इक्वल टू 350 है। ओके,
और क्या कॉन्स्टेंट है? ये देखिए, रिसोर्स वाला कॉन्स्टेंट खत्म हो गया, फिर मार्केटिंग रिक्वायरमेंट का रिसोर्स कंप्लीट हो कॉन्स्टेंट गया, टेक्नोलॉजिकल इनपुट को लेके किए, ये हो गया हमारा कॉन्स्टेंट। और एक कॉन्स्टेंट क्या है? नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट। आपका जो टन है, ये एक्स वन और एक्स टू, ये तो नेगेटिव नॉन नेगेटिव ना, ये क्या कभी भी जीरो से कम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक पॉजिटिव टर्न कभी जो ओर का टर्न कंसिडर करेंगे टर्नेज, वो कभी भी तो नेगेटिव नहीं होगा, माइनस में ऐसा नहीं कर सकते हम। तो क्या है, एक्स वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एक्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये हो गया अपना आप लोगों का कॉन्स्टेंट। तो इसको लेके सॉल्व करना है हमें। ये देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और ये हो गया हमारा कॉन्स्टेंट। तो इसको अभी किसमें, ग्राफिकल एनालिसिस में करेंगे। ये नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट जो एक्स वन एक्स टू है, वो हर बार आइदर जीरो होगा, नहीं तो जीरो से पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। तो पहला जो लाइन है उसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ में, कौन सा, टू एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 1000, ये वाला कॉन्स्टेंट, स्पेसिफिक मटेरियल का कॉन्स्टेंट, ये ग्राफ में ड्रॉ कर दिए। फिर उसके बाद ये ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, तो ये जो ड्रॉ करें, देखिए पहले ये टू, ये जो लाइन है, ये जो आपका लाइन है, ये लाइन का, ये कौन सा लाइन का इक्वेशन है, टू एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 1000, ये आपका लाइन का इक्वेशन है। अभी क्या बोल रहा है हमारा, लेस देन और इक्वल टू 1000 है, लेस देन, तो लेस देन मतलब हो गया इससे नीचे का एरिया हम कंसिडर करेंगे, इसे ये लाइन का जो नीचे का एरिया है, ये हमारा फिजिबल रीजन आएगा। ओके, नेक्स्ट आया सेकेंड कॉन्स्टेंट, थ्री एक्स वन प्लस फोर एक्स टू, तो अभी इसके नीचे का, ये लेस देन और इक्वल है, तो ये एरिया हम कंसिडर करेंगे एरिया कंसिडर, और सबका जो कॉमन एरिया होगा वो होगा हमारा फिजिबल रीजन। अभी देखिए ये दोनों का, ये क्या था पहले, इस लाइन का जो है फिजिबल रीजन, ये ट्रायंगल आ रहा था, ये वाला ट्रायंगल आ रहा था, ओके, ये वाला ट्रायंगल आ रहा था। अभी जो दूसरा लाइन ऐड हो गया, ये बोल रहा है कि इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है, ये बोल रहा है ईस्ट ट्रायंगल है, लेकिन इसका जो, ये बोल रहा है कि इसके हिसाब में फिजिबल रीजन ये ट्रायंगल है, लेकिन हमारा क्या है कि जो कॉमन है वो कॉमन एरिया है हमारा एक्चुअली फिजिबल रीजन, ये हो गया। अभी जो फिजिबल रीजन बन गया, इतना बन गया। ओके, नेक्स्ट, फिर और एक टोटल प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट, एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन और इक्वल 700, ये लाइन इधर आ गया। देन क्या है और एक कॉन्स्टेंट, एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन और इक्वल टू 350। अभी देखिए फिजिबल रीजन फिर चेंज हो जाएगा, फिजिबल रीजन चेंज हो गया यहाँ पे, तो ये कंसिडर हो जाएगा हमारा, ये नहीं रहेगा, तो आ गया हमारा फिजिबल रीजन चेंज हो गया। फिर क्या आएगा नॉन, ये टोटल में हो गया हमारा फिजिबल रीजन मिल गया। अभी फिजिबल रीजन से हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है वो पॉइंट को फोकस करेंगे। क्लियर हो रहा है, फिजिबल रीजन हाउ वी ड्रॉ ग्राफ फ्रॉम इक्वेशन। ओके, माइनस एन क्यों लिए सर, ओके एक काम करते हैं,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? आपका 8x1 प्लस 5x2, इसको ही मैक्सिमम करना है। अभी कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट्स, कांस्टेंट क्या क्या है? टू एक्स वन प्लस एक्स टू लेस देन और इक्वल टू 1000 है, और एक 3x1 प्लस 4x2 2400, और एक है x1 प्लस x2 700 है, और एक x1 माइनस x2 लेस देन और इक्वल 350। ये क्यों आया ये बताता हूँ। ये हमारा जो स्टेटमेंट था वो क्या था? ए ओर का जितना टनेज हम लेंगे, ए ओर का जितना टन लेंगे देखिए, नंबर ऑफ टाइप ऑफ ओर ए कैन नॉट एक्सीड नंबर ऑफ टाइप ऑफ बी बाय मोर देन 350। मतलब क्या बोल रहा है? ये जो नंबर ऑफ टाइप ऑफ ए और बी ओर से मैक्सिमम कितना तक जाएगा? 350। ए और क्या होगा इक्वल टू बी ओर से ज्यादा कितना होगा? 350। बी प्लस 350, 350 से इससे कम हो सकता है या फिर इसे इक्वल हो सकता है, लेकिन बी से 350 से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अभी मान लीजिए मैं लिखता हूं कि ए इक्वल टू बी प्लस 360, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? कैन नॉट एक्सीड नंबर ऑफ द टाइप बी बाय मोर देन 350। लेकिन ये जो स्टेटमेंट में, ये लाइन में क्या है? बी से कितना एक्सीड कर रहा है? 360 एक्सीड कर रहा है। लेकिन हमारा क्या क्या कांस्टेंट क्या बोलता है? बी से सिर्फ 350 कर सकता है, मैक्सिमम जो है वो 350 कर सकता है या फिर 350 से कम कर सकता है। ऐसे हो सकता है ए इक्वल टू बी प्लस 300 भी हो सकता है, फिर 290 हो सकता है, 340 हो सकता है, 350 भी हो सकता है, लेकिन 360 ये नहीं हो सकता। तो ये जो इक्वेशन हमारा कांस्टेंट इसीलिए आ रहा है, कांस्टेंट ऐसे आ जाएगा ए लेस देन और इक्वल टू बी प्लस 350। अभी इसको इधर माइनस को हो जाएगा ना, ए माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 350, इसीलिए ये माइनस आया, x1 माइनस x2 लेस देन और इक्वल टू 350। यह अभी हमारा कांस्टेंट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली प्रेजेंट के लिए पहले ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट को, और ये नॉन नेगेटिव, x1 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और x2 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल 0। ये हाँ, यहाँ पे एक j बता रहे थे ना, ये एक्स जे जे इक्वल टू 1 2, मतलब मैं जो दो अलग अलग लिख रहा हूँ, एक्स और एक्स टू ग्रेटर देन और इक्वल 0, इसको एक सिंगल लाइन में लिख लिया, एक्स जे जे के जगह पे 1 होगा और जे के जगह पे 2 होगा। मैं दो दो बार लिख रहा हूँ, x1 x2, तो ये एक लाइन पे लिख दिया, और जे एक टर्म है, मतलब 1 और 2 को इंडिकेट करने के लिए, एक लाइन पे लिखने के लिए। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टेंट। तो अभी इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए ये हर एक कॉन्स्टेंट को एक एक लाइन आप समझ लीजिए। तो पहले लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। पहले इस दो को कंसिडर करते हैं, नॉन नेगेटिव वाला। तो ये हमारा ग्राफ है, इसमें मान लीजिए आप x2 लिए, इसमें x1 लिए। अभी क्या बोल रहा है? x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहले ये जो ग्रेटर देन और लेस देन है इसको भूल जाइए, सबको इक्वल करके इक्वेशन लीजिए। मैं x1 इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, x1 इक्वल टू 0 कौन सा होगा लाइन? ये लाइन होगा,
एक्स वन इक्वल्स टू जीरो ये लाइन होगा, एक्स टू कुछ भी हो सकता है, एक्स वन इक्वल्स जीरो ये लाइन होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, एक्स टू इक्वल्स टू जीरो, एक्स टू इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स टू इक्वल्स टू जीरो कौन सा, ये लाइन आएगा, ये लाइन आ जाएगा, अभी आ गया, ये लाइन आप लोगों ने ड्रॉ कर लिए। अभी क्या बोल रहा है, एक्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो हो सकता है या फिर जीरो से ज्यादा हो सकता है, एक्स टू जो है जीरो हो सकता है, जीरो मतलब इस लाइन पे ड्रॉ, इस लाइन पे रहेगा, नहीं तो इससे ज्यादा, मतलब इस ये जो है ये अपना बोल रहा है कि फिजिबल रीजन ये है। ओके, और नेक्स्ट क्या है, एक्स वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जो एक्स वन आपका है वो जीरो होगा, एक्स वन जीरो होगा, नहीं तो जीरो से ज्यादा, ये जीरो होगा तो इस लाइन पे आएगा, नहीं तो जीरो से ज्यादा, तो ये आएगा आपका फिजिबल रीजन। ये क्लियर हो रहा है, तो ये जो पार्ट है ये इस लाइन में, इस क्वाड्रेंट पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही आपका फिजिबल रीजन आएगा। हाँ क्लियर हो रहा है, तो अभी अपना एक्स टू हो गया, इधर एक्स वन हो गया, और ये फिजिबल रीजन क्या है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फिजिबल रीजन आएगा। ये दोनों को हम कंसिडर कर दिए, अभी कंसिडर करते हैं पहला कॉन्स्टेंट क्या है, 2x1 + x2 < 1000। अभी उसको एक सिंपल लाइन में लीजिए, 2x1 + x2 = 1000, इसमें दो जो पॉइंट है उस पॉइंट को निकालिए। मान लीजिए मैं एक्स टू जीरो लिया, तो अपना जो एक्स वन है वो कितना आएगा, एक्स वन आएगा 500, एक जगह पे एक्स वन जीरो लिया तो एक्स टू कितना आ जाएगा 1000, तो दो पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट क्या है 500 और 0, दूसरा पॉइंट क्या है 0 और 1000। तो ये जो है अभी हमारा जो ग्राफ जो बना है उसमें दो पॉइंट पहले लोकेट करेंगे, कौन कौन सा, ये पहला पॉइंट लोकेट करते हैं, एक्स वन जीरो है, मतलब एक्स वन हो गया 0, और एक्स टू कितना बोल रहा है 500 है, सॉरी एक्स टू 0 है, एक्स वन 500 है। अभी चलते हैं, एक्स टू 500 है, मान लीजिए यहीं कहीं आ रहा है एक्स टू 500, ये है 500 और एक्स वन 0, तो ये पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट ये हो गया हमारा, ये कौन सा पॉइंट 500 और 0, और क्या है 0 और 1000, 0 और 1000 मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये कौन सा पॉइंट आएगा 0 1000, ये आ गया। अभी ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर लीजिए, ये हो गया हमारा जो पहला कांस्टेंट का लाइन हो गया, अभी हम लाइन ड्रॉ कर दिए, अभी देखना है कि इसका फिजिबल रीजन कौन सा होगा। कैसे, ये क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू, तो इससे कम होगा, तो लेस देन और इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे देखेंगे, मान लीजिए एक पॉइंट लिए, दो पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, एक अंदर वाले एक बाहर वाले पॉइंट, तो इस अंदर वाले पॉइंट को मान लीजिए मैं ये जो पॉइंट है इसको देखता हूँ, मान लीजिए ये 250 है और ये 500 है, ओके, तो ये 250 और 500 पॉइंट मैं इस इक्वेशन में डाल के चेक करता हूँ। अभी मेरा जो x1 है, x1 है वो क्या है 500 है, तो 2 × 500 + x2 जो है कितना है 250 है, वो कितना आ रहा है,
इंटू एक्स वन 250 प्लस एक्स टू जो है कितना आ रहा है 1000। तो ये क्या है बोल रहा है क्या का? लेस देन और इक्वल टू मतलब 1000 है। तो ये क्या है, ये जो पॉइंट है फिजिबल रीजन में है। अभी ये एक पॉइंट कंसिडर करता हूं मैं, मान लीजिए इस ये पॉइंट है 700 है और ये है 300 है, तो इसको पॉइंट में डालता हूँ, कितना आएगा 2 × 300 प्लस 700 कितना आ रहा है 1300। ये क्या है कि लेस देन और इक्वल 10000 इसको नहीं मानता है ना, तो ये वाला जो साइड है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो कौन सा फिजिबल रीजन हमारा कौन सा होगा, ये वाला सेक्शन जो होगा हमारा ये होगा फिजिबल रीजन, ये हो जाएगा फिजिबल रीजन। ओके फिर नेक्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 3x1 प्लस 4x2 लेस देन और इक्वल टू 2400। तो अभी उसको सॉल्व करते हैं, पहले दो पॉइंट निकालेंगे उसके बाद देखेंगे कितना 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 2400। अभी मान लीजिए x1 मैंने 0 लिया तो x2 कितना आएगा 600, और x2 0 लिया x1 कितना आएगा 800। तो अभी देख लीजिए x1 0 पे x2 क्या है 600 है, 0 पे यहां मान लीजिए 600 पॉइंट है 0 और 600 है, और एक पॉइंट क्या है x2 0 पे x1 800 है, तो यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा यहां पे, तो कितना आएगा 800 पे 0। अभी ये दोनों लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, ये हो गया अपना दूसरा कॉन्स्टेंट लाइन। अभी क्या इसका बोला लेस देन और इक्वल टू, तो क्या आएगा उसके नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा, उसके नीचे वाला पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन आएगा फिजिबल रीजन में, ये बोल रहा है इसके हिसाब में। तो अभी क्या जो कॉमन है उसको हम कंसिडर करेंगे, तो कॉमन कौन सा पार्ट आएगा, तो ये पार्ट जो है ये आ गया अपना फिजिबल रीजन, ये दोनों कॉन्स्टेंट के हिसाब में। अभी चलेंगे तीसरा कॉन्स्टेंट में, तीसरा कॉन्स्टेंट क्या है, x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 700 है। तो तीसरा इक्वेशन लिखते हैं, क्या है x1 प्लस x2 इक्वल टू 700 है, तो x1 0 होगा तो x2 कितना आएगा 700, और x2 0 होगा तो x1 कितना आएगा 700। तो ये 700 पॉइंट है, ये 0 700 पॉइंट है, और यहाँ पे आएगा ये जो पॉइंट है 700 और 0। तो ये जो लाइन आ जाएगा ऐसे एक लाइन आ जाएगा, ओके okay। तो इसके लेस देन और इक्वल है, तो इसके इस लाइन से जो नीचे जो रहेगा वो हमारा फिजिबल रीजन आएगा। तो ऑलरेडी यही आएगा फिजिबल रीजन में, क्योंकि ऑलरेडी इसी रीजन जो है हमारा लाइन के नीचे है ऑलरेडी, कॉमन जो है कॉमन को ही हम फिजिबल रीजन रखेंगे। और एक कॉन्स्टेंट देते हैं x1 माइनस x2 लेस देन और इक्वल टू 350, तो क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 350 ले जाइए, x1 0 पे ले रहे हैं तो कितना आएगा x2 माइनस 350, और x2 0 पे लिए तो x1 आ जाएगा 350। x2 0 पे लिए x1 कितना आ जाएगा आपका 350, ये
350 का लाइन यहाँ एक ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, कितना आएगा ये 350 और 0, और एक जो लाइन आएगा वो ये माइनस क्वाड्रेंट पे आएगा, तो ये आपका एक लाइन जो आएगा ये ऐसे आएगा, ये ऐसे लाइन आएगा। तो अभी इसका जो फिजिबल रीजन है वो इस साइड में रहेगा, तो जो टोटल फिजिबल रीजन आ जाएगा आपका ये बस आएगा इतना ही पार्ट आ जाएगा आप, इतना पार्ट आपका फिजिबल रीजन में आएगा। ओके ग्राफ में देख लेते हैं। हाँ एक्स वन एक्स टू में इसलिए चेंज कर दिया, हाँ तो अभी इसको ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ में तो ये हो गया आपका फिजिबल रीजन, इतना आ गया आपका फिजिबल रीजन में। तो अभी एक्सट्रीम पॉइंट जो है उसको हम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट अभी क्या क्या है, एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, एक दूसरा ये पॉइंट है, एक तीसरा पॉइंट है, एक चौथा पॉइंट है। ये चार पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे, ये चार पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मान लीजिए ए पॉइंट, बी, सी, डी। अभी ये जो चार पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे कितना आएगा, ये जो ये कौन सा लाइन है, एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन और इक्वल टू 350, और ये कौन सा लाइन है, इसमें एक्स टू इक्वल टू 0। दो इक्वेशन को सॉल्व करने से एक्स टू इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा ए पॉइंट मिलेगा, ए पॉइंट मिलेगा। तो जो ए पॉइंट आएगा हमारा कितना आ जाएगा, एक्स वन आएगा 350 और एक्स टू आएगा 0, ये हो गया ए पॉइंट। फिर बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या क्या कौन कौन सा लाइन का आ रहा है, एक तो बी पॉइंट देखिए, एक लाइन हो गया ये हमारा, दूसरा लाइन हो गया ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें मिलेगा बी पॉइंट। कौन कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन एक हो गया 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 1000, और दूसरा इक्वेशन हो गया x1 माइनस x2 इक्वल टू 350। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास आएगा बी पॉइंट। तो ये बी पॉइंट कितना आ जाएगा, बी पॉइंट जो आ जाएगा ये 3x1 इक्वल टू आ जाएगा 1350। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। एक्स वन आ जाएगा 450 और एक्स टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके तो बी पॉइंट आ गया कितना, 450 और 100, ये हो गया बी पॉइंट का। तो बी पॉइंट मिल गया, ए पॉइंट मिल गया, बी पॉइंट मिल गया। अभी सी पॉइंट में चलते हैं। सी पॉइंट क्या है, ये दोनों लाइन का है, तो सी पॉइंट के लिए चलते हैं।
सी पॉइंट के लिए दो इक्वेशन है, 2x1 + x2 = 1000 और एक है 3x1 + 4x2 = 2400। यही है ना? तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से आ जाएगा हमारा, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे 4 × इक्वेशन 1, कितना आ जाएगा आपका 3x1 - 8x1। x2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2400 - 4000, तो आपका जो -5x1 आ जाएगा कितना आएगा 1600। तो इसमें x1 जो आएगा वो T20, ये x1 आ गया, फिर x2 320 एक में पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा x2 आपका, ये हो गया 640,360, ये आ गया सी पॉइंट, कितना 320 और 360। और एक चलते हैं डी पॉइंट पे, डी पॉइंट तो ग्राफ में है सीधा, डी पॉइंट ये वाला है, डी पॉइंट ये वाला कौन सा पॉइंट है, 3x1 + 4x2 = 2400 है, x1 इसमें 0 है तो वो 600 पॉइंट है, तो डी पॉइंट जो है वो कितना है 0 600। अभी क्या है आपके पास 4 पॉइंट मिल गए, ओके 4 पॉइंट मिल गए, ए पॉइंट हो गया 350, बी पॉइंट मिल गया आपका कितना 350, बी हो गया 450, 100, सी हो गया 320, 360 और डी हो गया आपका 0 600। अभी ये चारों पॉइंट को आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड उसमें पुट कीजिए, और जिसमें आपका जो मैक्सिमम आएगा वही होगा अपना फाइनल सॉल्यूशन। जेड क्या था? जेड क्या था हमारा? 8x1 + 5x2 था, तो एट एक्स वन प्लस 5x2। अभी ये चारों पॉइंट पुट कीजिए, जिसमें मैक्सिमम आएगा वो हमारा हो जाएगा फाइनल ऑब्जेक्ट, फाइनल जो पॉइंट है वही आएगा हमारा, ओके। मैक्स किसमें आ रहा है? 320, 360, तो वो हो गया हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वही है, तो उसमें हम लोग क्या मतलब 320 यूनिट हम लोग किसमें है, ए ओवर का 320 यूनिट ले लिए 3 टन, और 360 टन ले लिया हमारा बी ओवर का, तो दोनों का ये जो है हमारा ये लिनियर प्रोग्रामिंग से मिल रहा है, ओके। तो इसी का यूज करके ये जो क्वेश्चन आता है ना, ये तीनों का क्या है, ग्रेड मिक्स प्रॉब्लम, ऐसे सेम टू सेम है कि मान लीजिए चार फेस से आप लोगों ने मटेरियल एक्सकैवेट कर रहे हैं और उसको क्रशर में डाल रहे हैं, आपको क्रशर का आउटपुट जो है आपको आपका रिक्वायर्ड ग्रेड का चाहिए, तो लिनियर प्रोग्रामिंग को यूज करके ग्रेड मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और एक क्या है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम क्या है, तो कितना आपको आउटपुट में प्रोडक्शन चाहिए, तो ये प्रोडक्शन शेड्यूलिंग वाला भी इसे लिनियर प्रोग्रामिंग से होता है। और एक ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में जैसे मान लीजिए कि आपके एक थर्मल पावर प्लांट को आप लोगों ने क्या कोल भेज रहे हैं चारों माइन से, तो वो थर्मल पावर प्लांट को उसका प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करना चाहता है, प्रोडक्शन मैक्सिमम करना चाहता है, वो किस माइन से कितना कोल लेगा उसका कंस्ट्रेंट है आपको पता है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता हो जाएगा, तो ग्राफिकली आप लोगों ने सॉल्व करेंगे तो आपको
जो एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा वो एक्सट्रीम पॉइंट को पुट कर देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जिस पे मैक्सिमम आएगा वो जो आएगा उसका आ जाएगा कि हाँ इतने इस कोल माइन से हम इतना कोल लेंगे, दूसरा कोल माइन से हम इतना कोल लेंगे, वो मिल जाएगा। और एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जैसा एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि आप लोगों का चार फेस है, माइंस फेस है, वो किसी फेस क्रशर के पास में है, किसी फेस क्रशर के दूर में है, क्रशर से दूर में है, किसी फेस में ज्यादा बोल्डर है, किसी फेस में बोल्डर नहीं है, किस फेस में ग्रेड अच्छा है, किस फेस में ग्रेड अच्छा नहीं है, तो वो सब कंस्टेंट हो गया। उसको कंसिडर करके लिनियर प्रोग्रामिंग से हम लोग निकालेंगे कि हाँ इस फेस से हमें इतना मटेरियल लेना है। ओके, तो ये हो गया अपना लिनियर प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जाएंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस। एक क्वेश्चन आज का टाइम हो गया, हम लोग क्या करेंगे कल जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें और एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और उसके वो सेंसिटिविटी एनालिसिस देखेंगे। ओके ठीक है, चलो आज का क्लास। इसका और एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा सर इसका? अभी आप लोगों ने चलो कल मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ और दो तीन एग्जाम्पल उसी में डाल दूंगा आपको। ओके कल का क्लास में, नहीं तो आप ऐसे एक एक और आई पीडी, एक एक और आई बुक है ना आपके पास, उसमें भी ये मिल जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है चलो, आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।